खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है। हेलो दोस्तों, फिर से मेरा एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू ट्रेंडिंग एडिटिंग वीडियो करके बताने वाला हूं, जो कि इस तरह का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप लोग भी इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग वीडियो करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को एलाइट मौसम एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है अपना। इस ग्रीन कलर को 9.60 पर कर लेना है और रेस्टोरेंट को आप लोगों को 1080p रख लेना है और फ्रेम रेट आप लोगों को 30fps रख लेना है। इसके बाद आप लोगों को बैकग्राउंड को यहां से चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक या व्हाइट रख सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पे क्रिएट प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिला है, तो आप लोगों को सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को सिंपली यहां से दो फोटो को अपना सेलेक्ट कर लेना है, जिस फोटो पर अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। तो दो फोटो को सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर पर एक इमेज इस वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है और ऑल व्यूज पे आना है। अब आपने जिस फोल्डर में आपका फोटो होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो फाइनली मैं एक फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब इसको यहाँ से मूविंग ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है इस प्रकार से। अब आप लोग को रोटर पे आ जाना है और इसको थोड़ा सा 3 डिग्री पर इसको घुमा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना 3 डिग्री पर सिंपली घुमा दे रहा हूँ। अब आप लोगों को थर्ड नंबर पे आना है, इसको इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना है इस प्रकार से, और पहले वाले पे आ करके इसको इस तरह से अपना फ़ोटो को, और थर्ड नंबर पर इसको थोड़ा सा और जूम कर लेना है। इसको अपने हिसाब से अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको रख लीजिएगा अपना। तो देख सकते हैं मैं अपना फ़ोटो को यहाँ पर रख लिया हूँ। अब आप लोगों को एक और फोटो लेना है, तो फिर से आप लोगों को प्लस पे आना है और इमेज इस वीडियो पे ऑल व्यूज पे आकर के अपना यहाँ से फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फाइनली मैं इस फोटो को भी सेलेक्ट कर लिया, और फिर से आप लोगों को मूविंग ट्रांसपोर्ट पे आना है और इसको इस प्रकार से पकड़ के इसको नीचे लाना है, और इसको भी थोड़ा सा रोटेट पे आकर के इसको भी 3 डिग्री पर इसको इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, देख सकते हैं मैं अपना 3 डिग्री पर घुमा दिया। अब आप लोगों को यहीं पर ध्यान देना है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है फोटो को घुमाने में। देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हो रहा है। फाइनली मैं इसको 4 डिग्री पर रख दिया। अब आप लोगों को इसको पहले वाले पे क्लिक करके यहाँ पे इसको इस प्रकार से अपना एडजस्ट कर लें, और थर्ड नंबर पे आकर इसको जूम कर लेंगे। इस फोटो को भी अपना अपने हिसाब से फ़ोटो के हिसाब से इसको भी जूम कर लेना है। अब आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे अपना म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो म्यूजिक को सेलेक्ट करने के लिए फिर से आप लोगों को प्लस पे आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे ऑडियो का ऑप्शन है, तो आप लोगों को इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऑल व्यूज पे आकर के यहाँ से अपना म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैं अपना म्यूजिक को सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को इस फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको इस प्रकार से बढ़ा लेना है। फिर से आप लोगों को दूसरा फोटो को भी इसी तरह से इसको बढ़ा लेना है। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है, और फिर से आप लोगों को एक बार मूविंग ट्रांसपोर्ट पर आ जाना है। और इस पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से एक प्लस दे देना है, और प्लस देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से इस तरह से थोड़ा इसको इधर कर लेंगे, अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। अब आप लोगों को आ जाना है लास्ट में। लास्ट में आने के बाद फिर से आप लोगों को इस फोटो को थोड़ा इस साइड करना है, ध्यान देना है आप लोगों को यहीं पे इस फोटो को इधर कर लेना है बस। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें, देख सकते हो फोटो आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है जा रहा है। अब आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे फर्स्ट में, और फर्स्ट वाले फ़ोटो पर, और फर्स्ट वाले फ़ोटो को भी इस तरह से मूविंग ट्रांसपोर्ट पर आना है। यही फ़ोटो है, आप लोग को इस पर आना है। दूसरे वाले फ़ोटो पर फिर से आप लोग को मूविंग ट्रांसपोर्ट पर आना है, और मूविंग ट्रांसपोर्ट पर आने के बाद आप लोग को फिर से एक प्लस दे देना है यहाँ पर, इस फोटो को अपना लगा लेना है यहाँ पे, और आपको लास्ट में आना है। और लास्ट में आने के बाद आप लोगों को इस फोटो को इस प्रकार से अपना रख लेना है, ध्यान देना है आप लोगों को यहीं पे इस प्रकार से अपना फोटो को हिसाब से रख लीजिएगा। थोड़ा सा फोटो मेरा ये इधर कर लेता हूँ, सॉरी ये वाला फोटो है।
देख सकते हैं मैं अपना फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। आप लोगों को फिर से एक और PNG की जरूरत पड़ेगी, जिस PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो PNG को लेने के लिए आप लोगों को फिर से प्लस पे आना है, ऑल व्यूज पे आना है, और यहाँ से मैं अपना PNG को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस PNG को आप लोगों को इस पे मोबाइल ट्रांसपोर्ट पर क्लिक कर देना है और इस PNG को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है इस प्रकार से अपना, और थर्ड नंबर पर करके इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेना है। अब आप लोगों को सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब आप लोगों को इस PNG पर क्लिक करके इसको भी जैसे फ़ोटो को बड़ा किया था इसको भी ऐसे ही बड़ा कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपका वीडियो लगने लगा। अब आप लोगों को फाइनली एक बार म्यूजिक को सुन करके अपना एक प्लस दे देना है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ वीडियो में कि यहाँ से एक प्लस दे देना है अपने म्यूजिक के हिसाब से। तो फाइनली मैं फटाफट अपना प्लस दे देता हूँ। तो देख सकते हैं अपने म्यूजिक के हिसाब से अपना प्लस दे दिया हूँ। अब आप लोगों को सिंपली आपका जो म्यूजिक का पहला वर्ड होगा आप लोगों को यहाँ पे लिरिक्स को लिख लेना है। तो आप लोगों को लिरिक्स को लिखने के लिए आप लोगों को प्लस पे आना है और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। मैं अपना म्यूजिक के हिसाब से अपने टाइप कर लेता हूँ, तुम मेरा, देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है आप लोगों को, यहाँ से मैं सिंपली ब्लैक रखा हूँ, आप लोग भी ब्लैक रख सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे 18:15 का ऑप्शन मिला है तो इस पर क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करके आप लोग इस जो टेक्स्ट को अपना हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे रोबोट रेगुलर का ऑप्शन मिला है तो इस पर क्लिक कर लेना है और इस वाले फंड को सेलेक्ट कर लेना है। इस वाले फंड को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, कुछ लाइनें दिखाई दे रही है इस पर, तो आप लोगों को इसको सेंटर में कर देना है, यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को मोबिन ट्रांसपोर्ट पे आना है और इसको इस प्रकार से अपने हिसाब से लगा लेना है। अब आप लोगों को थर्ड नंबर पे आना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, टेक्स्ट को अपने हिसाब से यहाँ से जूम कर लेना है और इसको रोबोट पर क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा इसको भी 7 डिग्री पर अपना रख लेना है। रोटर पर क्लिक करके यहाँ से इसको 7 डिग्री पर रख लेना है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है इस प्रकार से। देख सकते हैं यहाँ पे हो गया मेरा। अब आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे प्लस दिए थे ये छोटा पड़ा है, तो आप लोगों को इसको बड़ा कर देना है यहाँ से। अब आप लोगों को इसमें एक और यहाँ से इफेक्ट लगाना है, तो आप लोग को मोबाइल ट्रांसपोर्ट पर आना है और यहाँ पर एक प्लस दे देना है और यहाँ पे एक सेंटर में एक प्लस दे देना है और लास्ट में आने के बाद एक प्लस दे देना है, अपने टेक्स्ट पे प्लस दे देना है। अब आप लोगों को सिंपली इसमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाना है, इसको स्क्रॉल कर लेना है। अब लोग को आ जाना है लास्ट में शुरू में, और शुरू में आने के बाद इसको इस प्रकार से नीचे की तरफ ले जाना है। अब आप लोगों को इन दोनों को सेंटर में आना है यहाँ पे और इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से अपना रख लेना है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे। अब आप लोगों को इसके सेंटर में आना है इस साइड वाले का और इसको भी इस प्रकार से इसको नीचे कर लेना है, उसको ऊपर किया इसको नीचे कर लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं एक बार टेक्स्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को, देख सकते कुछ इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से जाएगा। आप लोगों को फिर से टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और एड इफेक्ट में आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेना है, सॉरी क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट्स का आप लोगों का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोगों को सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाना है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट वाले को इसको 0.5 कर लेना है और विड्थ पे आने के बाद अब आप लोगों को इसको अपने हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से इसको रख लेना है 0.15। अब आप लोग को एंगल को टच नहीं करना और फेस पे आना, और फेस पे आने के बाद अब आप लोग को इसको सिंपली इस तरह से 0.30 कर लेना है यहाँ पे 0.30 करने, सॉरी मैं बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे अपना 0.70 रख लीजिएगा। अब आप लोग को 70 रखने के बाद आपको शुरू में आना है और शुरू में आने के बाद एक प्लस दे देना है और आ जाना है लास्ट में, टेक्स्ट के लास्ट में आने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से इसको 1.70 इसको रख लीजिएगा।
ध्यान देना है अपना 1.70 रख लीजिएगा। आप लोग को आ जाना है कलर पे, और कलर पे आने के बाद आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना है और कलर को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो फाइनली मैं इसको रेड कलर कर ले रहा हूँ, अपना रेड कलर ले रहा हूँ यहाँ से। अब आप लोगों को आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद देख सकते हैं इस पर आप लोगों को इसको 15 कर देना है यहाँ से, 0.050 रख लेना है यहाँ से। अब आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना है, देख सकते हैं आप लोगों को एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है इस तरह से आएगा और इस तरह से चला जाएगा। अब आप लोग टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहीं पे आपको पेस्ट भी कर देना है, और इसी तरह से अगला अपना लिरिक्स जो है लिख सकते हैं, जो आपका अगला वर्ड है। तो फाइनली एक बार मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे आ जाना है, और यहाँ पे और यहाँ से अपना टाइप कर लेना है ख्वाब है, ख्वाब, और यहाँ से हाँ लिख लेना है। अब इसको सही पे क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट आपका बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, घड़ी वाले पे क्लिक कर देना है और इसको इस तरह से कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को छोटा करने के लिए इस पर क्लिक करना है, और बड़े करने के लिए इसी पे ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप लोग का अगला भी टेक्स्ट लिख लेना है यहाँ पे। अब आप लोगों को फिर से एक बार वीडियो को प्ले कर दे रहा हूँ। तो आपका टेक्स्ट जो है आपको इस प्रकार से आएगा और जाएगा। अब आप लोगों को एक बार फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है, और फोटो पे क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे आ जाना है यहाँ से, और ऐड इफेक्ट पे आने के बाद अब आप लोग को यहीं पे ध्यान देना है। अब आप लोग को सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना है RGB, जैसे कि मैं आजकल हर वीडियो में इसको लगा रहा हूँ, तो इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे आ जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पे RGB लिखा हुआ है जो कि ग्रीन कलर में है। अब आप लोग को जो बी है इसको जी पे कर देना है। तो देख सकते हैं आपका फ़ोटो का जो कलर है इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को फर्स्ट वाले फ़ोटो पर भी यहाँ पर लगा लेना है, ऊपर वाले फ़ोटो पर भी। तो फाइनली इस पर भी एड इफेक्ट पे आना है, और यहाँ से RGB को सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो है कुछ इस कलर का हो गया। अब आप लोग को इसमें एक क्या बोलते हैं लाइट इफेक्ट वीडियो लगाना है। तो लाइट इफेक्ट वीडियो लगाने के लिए फिर से प्लस पे आना है, और इमेजेस वीडियो पे आना है, और ऑलवेज पे अपना जो ये लाइट इफेक्ट वीडियो है, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको 3 डॉट पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, और मूविंग ट्रांसफॉर्म पर आना है, 3rd नंबर पर आकर के इसको इस प्रकार से जूम कर लेना है, ठीक है। अब जूम करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो ब्लेंडिंग पर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग पर आना है, इसको यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद अब आप लोगों को इसको आवाज़ को, इस वीडियो को आवाज़ को बंद कर देना है आप लोगों को। अब आप लोगों को देख सकते हैं वीडियो कुछ इस प्रकार का लगने लगेगा। अब आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, आपका वीडियो बनकर तैयार हो गया, आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है इस तरह से।